पीछे हट जा यहाँ से। तुझे ना कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये कच्चा बनियान ग्रोह आज तक किसी के हाथ में नहीं आया मैडम। अरे उल्टी खोपड़ी के लोगों से पाला पड़ा है तुम्हारा, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। हम तो पैदा ही उल्टे हुए हैं, जब तक उल्टे हाथ का नहीं मारेंगे यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। आदत है बचपन का, जिसके पीछे पड़ते हैं तो जन्म तक पीछे पड़ते हैं। अब तो तुमको भगवान ही बचा सकता है हमसे, और कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, भगवान बचाएगा हमें? ए, सब लोग हथियार फेंको, समझा? कोई भी हथियार नहीं उठाएगा अपना। तो आप भी जरा मैडम अपना हथियार नीचे रखकर जरा हमें पकड़ के तो दिखाओ, फिर हम देखते हैं ना आपकी ये नाजुक कलाइयों में कितना दम है। अरे रखो ना, आओ पकड़ो। कहा था ना मैडम नहीं पकड़ पाओगी तुम हमें। अरे अकबर के जमाने के चोर हैं हम। शुक्र मनाओ कि हम अकबर के जमाने में पैदा ना हुए, वरना तुम्हारा खानदान जो है ना वो तभी खत्म हो जाता। और जो जो अकबर के महल में तुम्हारा फैमिली फोटो देखता ना वो एक ही बात बोलता, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा, का समझे तुम? हाँ वैसे बहुत सही मिले हो हमको, तुमने ना भैया हमारा दिवाली बना दिया। तेल निकाला है ना लोगों का तुमने, आज हम तुम्हारा तेल निकालेंगे। और ऐसा तेल निकालेंगे ना भैया कि तुम्हारा आगे आने वाला पीढ़ी ना खाने में तेल पसंद नहीं करेगा, समझ रहे हो हमारी बात को? हाँ हमारा चेहरा ना अच्छे से देख लो, क्योंकि तुम्हारा सपना में अब यही चेहरा तुमको डराएगा। चलो अरे मैडम मैडम क्या बात है, बैंक बैंक लूट लिया क्या? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं तो फिर इतने सारे गिफ्ट्स कहाँ से आ गए? पैसे तो पहले ही खत्म हो गए थे, ये जो लाए हैं ना हम ये सब उधार में लाए हैं। उधार? और कैसे चुकाएंगे उधार आप? करिश्मा मैडम टीडीएस काट कर भी मिला तो 90,000 हर एक को मिलेंगे, 1,00,000 के हिसाब से। 90,000 हाँ, तो इनाम के पैसे से हम उधार चुकाएंगे। इसे कहते हैं अति आत्मविश्वासी। हाँ? मूर्खता की पराकाष्ठा। मतलब अच्छा ही मतलब होता है, बाद में बताएंगे आपको। लव यू मैडम। वैसे हम आपके लिए भी तोहफा लाए हैं। का लाई है? चूरन का फ्री कूपन। जब हम आपको देंगे ना तोहफा तब देखिए। यही लाई है ना? यही, ये जो पड़े हैं। हाँ। महंगे लग रहे हैं पुष्पा जी। मैडम अब भावना का कीमत थोड़ी होता है,
अगर मानिए अंधा आदमी के हाथ में अगर बटेर लग जाए तो उसके भावना का ओवरफ्लो तो होगा ही ना। अब कहाँ हम लोग 10-20 रुपया का नोट में दिवाली मनाने वाले लोग, अगर हम लोग के हाथ में 1-1 लाख रुपए लग जाए तो मैडम कलेजा का जितना भी अरमान है सब फट के बाहर आया है ना। क्या बताएं आपको मैडम, हम आपके लिए भी गिफ्ट लाए, एक मिनट लीजिए। हैप्पी दिवाली मैडम। ये मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और ये हमारी तरफ से हमारी प्यारी बहू रानी के लिए। हमने इस बार तय किया है हम सब एक दूसरे को तोहफे दे रहे, तो आपको भी हमें देना है तोहफा, लाइए दीजिए। हाँ, मैडम दीजिए। हाँ, हम सास है आपकी, हमको कैश भी चलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत हमारे लिए तोहफा लाने के लिए, लेकिन अभी तक प्रतियोगिता का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, इनाम हमारे हाथ नहीं लगा है और सैलरी का कुछ आता पता नहीं है और आप लोग उधार की जिंदगी जी रहे हैं ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है बोरा गए हैं क्या सब के सब। करिश्मा मैडम, इतनी भी विनम्रता अच्छी नहीं होती ना, आपने वो बिल्ला को पकड़ तो लिया है। तो समझने वाली बात है कि कॉम्पिटिशन हम ही जीत गए। हा? और इनाम के पैसे तो समझो हमें मिल ही गए और आप हमें कह रहे कि हम बोरा गए। हाँ मैडम, एकदम सिंपल सा है, ये बिल्ला डीएसपी सर के सामने जाकर बोल देगा। का बोलेगा? नहीं मैडम, ये बोल देगा कि ये जो हम लोग के इलाके में चोरी किया था ना, ये बुलबुल पांडे कहने पर किया था, और जैसे ही बात डीएसपी सर को पता चलेगा वो प्रतियोगिता से बाहर, हम लोग प्रतियोगिता में इन और हम लोग विजेता हो जाएंगे मैडम। ना ना, इतना खुश होने का जरूरत नहीं है, 4 घंटे से धो रहे हैं उसको, नहीं कबूला उसने अभी तक और ना ही कबूल करेंगे मैडम हम, चाहे आप जितना भी मार लीजिए हमें। ये देख रहे हैं ना हमारी मोटी चमड़ी, देख लीजिए, मरते मरते मर जाएंगे लेकिन कबूल नहीं करेंगे। तुम्हारी मैया की सासू मैया। हाँ, इतना हमने खरीद लिया, शॉपिंग कर लिया, उधार सर चढ़ गया, तुम कुछ बोलेंगे? चीते कॉल। कॉल? हाँ सर सर, मुंह तो इसका खुलवाना है ना, हम मुंह खोल के क्या करेंगे? लॉकअप का दर, लॉकअप का दर। हाँ हरी तो खोलोगे आप मुंह? करिश्मा मैडम खुलवाएगी तुम्हारा मुंह। हाँ मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद। कन्फेस किया कि वो बुलबुल का आदमी है? नहीं मैडम सर, अभी तक कबूल नहीं किया है, कोशिश जारी है, कबूलेंगे तो उसके फरिश्ते भी मैडम सर। पर हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आप इस विषय पर इतना चिंता काहे विचार रही है? आपने तो अपने जज्बातों का बात सुनकर मार्केट में जो है बंदोबस्त ढीला कर दिया था, वो तो हमने अपनी छठी इंद्री का बात सुना और घात लगाकर बैठ गए मार्केट में। हमें पता था मैडम सर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा और वही हुआ, ये आदमी आया वहां पर और हमने धरा उसको और यहां लेकर, नहीं तो कल ना पेपर में ऐसे बड़ा बड़ा हेडलाइन होता कि महिला पुलिस थाना क्षेत्र में दिवाली के दिन हुआ लूट। इतना घोर लापरवाही महिला पुलिस थाना की तरफ से बताइए, और ये प्रतियोगिता जो है वो बुलबुल पांडे जीत जाता और हमारे हाथ से निकल जाता। करिश्मा सिंह, आपने वो किया जो आपको सही लगा और हमने वो किया जो हमें सही लगा। हमारे हिसाब से त्योहार खुशियां बांटने का नाम होती है, खुशियां छीनने का नहीं, और इस बात का एहसास हमें हुआ सूरज की मजबूरी देखकर। आप ये सोचिए कि सूरज जैसे न जाने कितने लोग हैं जो किसी कोने में बैठकर, अंधेरे में बैठकर इस बात का इंतजार करते हैं कि कब कब खुशियों की एक छोटी सी किरण उनके और उनके बच्चों की जिंदगी पर आए और उनकी जिंदगी में रोशनी लेकर आए। और उनकी इन खुशियों के बीच आ रही थी हमारे इस बंदोबस्त की दीवार, जिस दीवार को हमने बस थोड़ा सा छोटा किया है, गिराया नहीं। फिर वही खूबसूरत शब्दों का माया जाल मैडम से, मतलब आप कैसे गलत बात को चंद शब्दों में लपेटकर उसको सही साबित करने का जो प्रयास करती है ना, उस प्रपंच में सारी दुनिया आ सकती है लेकिन हम नहीं आएंगे मैडम सर। चोरी अगर लड्डू का हो या फिर हीरे का, चोरी चोरी होता है मैडम सर, और हमारा काम है चोर को पकड़ना, हमारा पुलिस का काम है अपराध को रोकना, उसको निमंत्रण देना नहीं जो आपने दिया है मार्केट में। हैप्पी दिवाली मैडम सर। अरे हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, थैंक यू। आपने जो पैसे दिए थे उस पैसे से हमारी दिवाली बहुत अच्छी बीती, पेट भर खाना खाया, नए कपड़े भी लिए और पटाखे भी जलाए। बेटा वो पटाखे कौन से थे? इको फ्रेंडली पटाखे। वाओ। हाँ वही वही जो बिना बारूद और बिना आवाज के फटते हैं। ये कौन सा पटाखा है संतु जी, आवाज नहीं किया। मैडम आपके बंदोबस्त में मैंने चोरी की और पकड़ा भी गया, लेकिन फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया और दिवाली के लिए पैसे भी दिए।
मार्केट में आपने बंदोबस्त कम भी कर लिया, हम जैसे मजबूर लोगों के लिए आपने थाने की मुकाबले की हार की मंजूरी ली। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दूसरे थाने वाले जो है ना वो कंपटीशन चीटिंग करके जीतना चाहते हैं, और जो चीटिंग करते हैं वो कभी नहीं जीतते, जीतेंगे तो हम ही। एक सेकेंड। जी बुलबुल पांडे कहिए। क्या हम कंपटीशन हार गए? का जरूरत था बिल्लू को बुलबुल पांडे के थाने में घुसने का? इतना गुस्सा आ रहा है स्टोप आदमी पे हमको। मैडम हमको बदनाम और एक बलवा बताया था सबना कि बुलबुल पांडे के थाना में चोरी करके हम लोग को प्रतियोगिता जिताना चाहता है, हम लोग गिफ्ट देना चाहता है। हमको गिफ्ट देना चाहता था या बुलबुल पांडे को गिफ्ट देना चाहता था? मिल गया ना बुलबुल पांडे को सौदा करने का मौका हमसे। बिल्ला दो बिल्लू लो, बिल्ला के बदले बिल्लू मिलेगा हमको। ये कॉम्पिटिशन से भी हार जाएंगे हम, ये बिल्लू ना इसको छोड़ेंगे नहीं हम। सत्यानाश हुई इस बिल्लू का, सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? देखिए बिल्लू ने जो कुछ भी किया हो वो हमारे लिए किया है, हमारे थाने के लिए किया है, और हम सबकी खुशियों के लिए ही किया है, तब उसे इस चंगुल से बचाना हमारा फर्ज बनता है। आइए आइए हसीना मैडम, वो पुराना कहावत है ना, कभी नाव पानी पर तो कभी पानी नाव पर, कभी आपका पलड़ा भारी तो कभी हमारा पलड़ा भारी, लेकिन आज आज निसंदेह बाजी हमारा होगा, क्योंकि आपका ये हुकुम का इक्का, आपका प्यारा कैदी बिल्लू हमारे पास है। चलिए अभी हमारा समय नष्ट ना कीजिए, हमारे बिल्ला को भेज दीजिए, हम आपके बिल्लू को भेज देते हैं। बिल्कुल छोड़ो उसे, जाओ बिल्ला। क्या किया तुमने बिल्लू? हाँ सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, दिवाली की सारी खुशियों में पलीता लगा दिया। ना इतना तो हम आप लोगों को जानते हैं कि ऐसा बचकाना हरकत आप लोग नहीं करेंगे, ऐसा तुच्छा आइडिया ऐसे तुच्छे चोर की तुच्छी खोपड़ी में ही आ सकता है। और अच्छा हुआ कि इसे आइडिया आया, तभी तो इसने तुच्छी हरकत कर दी, वरना हमें हमारा आदमी बिल्ला कैसे मिलता, हम ही कॉम्पिटिशन कैसे जीतते, है कि नहीं? चलिए हो गया, चलो बिल्ले जय जैन सर। जय हिंद। आप लोगों की उत्सुकता और व्याकुलता की परीक्षा ना लेते हुए हम सीधे सीधे परिणाम घोषित करते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं इस प्रतियोगिता का नियम क्या था। इस प्रतियोगिता का नियम था कि जिस थाना क्षेत्र में सबसे कम वारदात होंगी वो थाना इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। महिला थाना के कार्य क्षेत्र में कुल 13 वारदात हुए हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत ही मामूली वारदात है, सब्जियां चोरी हुई हैं, मिठाइयां चोरी हुई हैं, लेकिन कानून की नजर में वारदात वारदात होता है, अपराध अपराध होता है, कोई छोटी बड़ी या मामूली चोरी नहीं होती। अब आते हैं जानकीपुरम थाना पे। जानकीपुरम थाना के क्षेत्र में कुल नगण्य अपराध हुए हैं, यानी कि कोई अपराध हुआ ही नहीं। तो हमारे प्रतियोगिता के नियम के अनुसार दिवाली स्पेशल प्रतियोगिता के विजेता हैं जानकीपुरम थाना। तो वहां के SHO श्री बुलबुल पांडे को 5,00,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। हम चाहते हैं
कि आप अपने जीत के उपलक्ष्य में कुछ कहें। आइए। देखिए, ईमानदारी और सच्चाई ऐसा दो चीज है जो इंसान को इंसान बनाता है। दिवाली का मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत। बुराई का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई का सूरज उसका सीना चीर के बाहर निकल ही जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए आज हम सच का सूरज दिखाने आए हैं। अरे झूठा है ये बुलबुल पांडे, एक नंबर का मक्कार है। हम हैं कच्छा बनियान के लीडर बिल्ला और ये हमारे साथी, और इसी बुलबुल पांडे ने हमें महिला थाना क्षेत्र में चोरी करने के लिए कहा था। महिला थाने ने हमें गिरफ्तार किया और हमारी धुलाई भी बहुत की, पर हमने मुंह नहीं खोला। अरे क्योंकि हम खानदानी चोर हैं, हमारे खून में वफादारी बसी हुई है, इसलिए नहीं बताया बुलबुल पांडे का नाम। पर आज हम पहली बार अपनी जुबान से सच बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस महिला अधिकारी की वजह से, जिन्होंने हमें सच का आईना दिखाया और हमें बताया कि हम कितने गलत थे। SHO हसीना मलिक, सूरज जैसे गरीब आदमी के लिए अपनी हार जीत तक भी दांव पर लगा दी इन्होंने, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि इनके इस नेक काम को कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा। बस मैडम सर के इन्हीं जज्बातों ने इस पत्थर दिल बिल्ला को भी एक नेक दिल इंसान बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सर। अरे ये झूठ कह रहा है, सरासर इल्जाम लगा रहा है, वो भी एक पुलिस वाले पे। अरे पकड़ा इसे, चोर है ससुरा। SHO बुलबुल पांडे सर, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इतना समझने की अक्ल है हम में? सर तुम पर विभागीय जांच बैठाई जाती है। सर आपको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। आप जा सकते हैं। हसीना मलिक जी आइए। मैडम सर, देखा हमने कहा था ना मैडम सर कभी गलत हो ही नहीं सकती, उनकी सच्चाई हमेशा लोगों के सर चढ़कर बोलती है। सच कहें तो हम जानते भी नहीं थे कि हमारी बातों का इन पर इतना गहरा असर हो जाएगा, लेकिन हमें खुशी है कि ऐसा हुआ। इनफैक्ट इन्हीं से क्यों, हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि असली रोशनी उसी में है जब आप किसी और की जिंदगी के अंधेरे में उजाला ला सकें। असली त्योहार वही है जब आप किसी और की जिंदगी सवार सकें, और असली खुशी वही है जब आप किसी और को खुश कर सकें। और इस केस को सॉल्व करने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, सो थैंक यू सो मच। हसीना मलिक जी। जी मिस मलिक, इस चेक पर केवल आपका अधिकार है। इस चेक को आपने जीतने के लिए नहीं जीता है, बल्कि इस चेक पर आपने अपना अधिकार साबित किया है। हमारे इस डिपार्टमेंट में आप जैसी इंटेलिजेंट और महान महिला हैं, इसका हमें गर्व है। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। दिवाली ऑल ऑफ यू। माँ आपके लिए दिवाली गिफ्ट। हैप्पी दिवाली माँ। अरे वाह। मैडम ये आपके लिए।
संतोष जी ये आपके लिए, और निठल्ली चीता चितेश्वर ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। मैडम सर ये आपके लिए, हैप्पी दिवाली। सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए? हाँ, आप S.H.O. हाँ, इसीलिए आपको बड़ा गिफ्ट। हाँ, लेकिन चेक तो अभी तक डिपॉजिट हुआ नहीं, लिया कैसे? ओ, जानकीपुरम थाने से कुछ खास हाथ लगा नहीं, बस लगा तो वो बिस्कुट लगा, तो उसी से ये सब लेके आया। बिस्कुट से कैसे? सोने का था क्या? नहीं, ग्लूकोज का था। सोने का ही था ना रे, कैसे इसको पुलिस में भर्ती किया? तुमने सोने का बिस्कुट चोरी किया? मजाक मैडम सर, उधार लिया है तो पागल बिल्लो से। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली आपको भी। हैप्पी दिवाली। ये बिरयानी, ओह माय गॉड। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? यही पुष्पा जी की हसीना मैडम जैसे इंसान अगर हमारी जिंदगी में पहले आ गया होता तो शायद हमारा नजरिया अलग होता लोगों को देखने का, थोड़ा कड़वापन कम होता हमारे अंदर, हमारा दिल और भी गहरा और बड़ा होता हसीना मैडम जैसे। हैप्पी दिवाली पुष्पा जी। आपको भी दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.